काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से आतंकियों को चेताते हुए कहा कि उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि हम ये भूलेंगे नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, हम चुन चुन कर शिकार करेंगे, हम अफगानिस्तान में रह रहे अपने अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, साथ ही अपने सहयोगियों को भी निकालेंगे। बता दें कि इस हमले में 13 यूएस कमांडो समेत अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमारा मिशन जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त अमेरिकी फौज को फिर से अफगानिस्तान भेजेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसराइल के नए प्रधानमंत्री के बीच होने वाली पहली बैठक का कार्यक्रम टाल दिया और अफगान शरणार्थियों के विषय पर गवर्नरों के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया। वही हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम हमलावरों को माफ नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है वह यह जान ले हम लोग इसे माफ नहीं करेंगे, ना ही इसे भूलने वाले हैं। हम लोग अब तुम्हारा शिकार करेंगे, तुम्हें इस हमले की कीमत चुकानी होगी।